अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, एक और बार आ गया ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज का सफ़र हमारा संथन टॉप की ओर, तो देखते हैं क्या होता है। तो जुड़े रहे हमारे ब्लॉग के साथ, तो देखते हैं कैसा रहता है हमारा संथन टॉप का सफ़र। हमारा सफ़र हो चुका है शुरू, तो हम निकल चुके हैं तेल वेल डाल के अच्छा बल से। तो ये देखें, शुक्र है कि यहाँ पे हाईवे का काम लगा हुआ है। बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि ये रोड थोड़ी कंजेस्टेड थी, अब 4 लेन बन रही है, तो फिर उसके बाद तो ज़्यादा ही मज़ा आएगा। ये अच्छी चीज़ है, डेवलपमेंट हो रही है मतलब हमारे एरिया की। तो जो आज का हमारा सफ़र रहेगा वो रहेगा सिंथन टॉप का। पहले हमारा प्लान था मरगन टॉप जाने का, पर किसी वजह से प्लान कैंसिल हो गया, तो अब हम जा रहे हैं सिंथन टॉप। तो उम्मीद है कि बर्फ़ होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि हमारे साथ आज एक साथी हैं, वो जम्मू से हैं स्पेशल, मतलब घूमने कश्मीर में। तो जो जम्मू से आते हैं उसको बर्फ़ देखने की बहुत ही ज़्यादा शौक़ रहती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद रहेगी कि बर्फ़ हो। अगर बर्फ़ हुई तो फिर तो खूब ज़्यादा इंजॉय करेंगे हम, क्योंकि मुझे याद है पिछली बार भी हम गए थे तो बर्फ़ में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था वहाँ पर। तो इंशाल्लाह आज भी ज़्यादा ही मज़ा आएगा। चुके हैं कुकरनाग। ये कुकरनाग, यहाँ से कुकरनाग गार्डन शुरू हो जाता है। कुकरनाग गार्डन एक बहुत ही अच्छी जगह है, जितने भी गार्डन हैं यहाँ के, मतलब अच्छा बल गार्डन से भी बेहतर है, मैं कहना चाहूँगा आपसे। और अभी तो हम शायद यहाँ नहीं रुकेंगे, वापसी में अगर हम जल्दी आ गए वापस तो हम यहाँ ज़रूर जाएंगे अंदर। ये देखें, बहुत ही अच्छा गार्डन है यहाँ ये। तो हम निकल चुके हैं कोकरनाग से और ये हम पहुँचे हैं वाइलू। ये यहाँ पे एक पार्क, ये एक पार्क है, बहुत ही बढ़िया पार्क है यहाँ पे। और अगर आप सिंथन टॉप या कहीं भी जा रहे हो, ये आपको लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा भारत का, इससे आगे आपको कहीं पे पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। आँखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे, रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई। कितना ही प्यारा नजारा है यहाँ का, और पानी बहुत ही ठंडा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। और यहाँ पे हमारे गुजर बकरवाल लोग जो यहीं पे रहते हैं सर, मतलब गर्मियों के टाइम। मौसम ऊपर देख के ऐसे लग रहा है कि मौसम वहाँ पे बहुत ही ठंडा है, बारिश भी हो सकती है। चलो बारिश होनी नहीं चाहिए, मौसम ठंडा होना चाहिए। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते किसी भी सिम के, ये थोड़ी परेशानी वाली बात है, क्योंकि नेटवर्क आने चाहिए यहाँ पे। आप पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा दूर रह गया है, मतलब कोई 5-6 मोड़ या ज़्यादा होंगे, मतलब पता नहीं गिन के नहीं रखा है, पर ऐसे थोड़ा सा ही है। और यहाँ पे हम रुके थोड़ा शूट वगैरह करने के लिए, और थोड़ा थक भी गए थे गाड़ी चला के, तो यहाँ रुके हैं। यहाँ का व्यू देखो आप, कितना सही व्यू है, कितना नज़ारा है यहाँ का। और जितना जितना हम ऊपर आते गए उतने उतनी मौसम ठंडा होता गया, ठंडी हवा। पहले नीचे इतनी ज़्यादा धूप थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप देखें कितना बढ़िया मौसम हो रखा है यहाँ पे, क्या बात है यार। और ये देखें, और यहाँ का नज़ारा देखें आप। मुझे जो यहाँ की सबसे सही चीज़ लगी वो है वो नीचे लोगों के घर, जो ये गर्मियों में यहीं रहते हैं, मतलब अपने मवेशी लेके यहाँ पे रहते हैं। कितनी सही जगह है यार, वो मज़े करते होंगे यही लोग। ये जगह का प्रॉपर नाम तो नहीं पता मुझे, पर सिंथन टॉप से थोड़ा पहले अच्छी जगह है वो, कुछ घर है शायद, कोई रहता है वहाँ पे। ये यहाँ पे ये रहते हैं यार, मतलब चारवा लोग, जिनके मतलब जिनके पास मवेशी वगैरह होते हैं। तो ये सर्दियों में तो यहाँ पे नहीं रहते, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बर्फ होती है, तो गर्मियों में यहाँ पे आते हैं अपनी मवेशी लेके, क्योंकि यहाँ पे घास बहुत ज्यादा होता है मवेशियों के लिए। कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ और मतलब अलग अलग जगह रहते हैं। तो आपको कैसा मजा आया अभी तक? अभी तो ऊपर गए तो
एंजॉय किया है। हाँ। इंशाल्लाह आगे भी बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा मौसम ठंडा हो गया है ना? मौसम ठंडा हो गया, बहुत अच्छा मौसम हो चुका है। नीचे तो बहुत ही ज्यादा मतलब गर्मी थी। टीम इस टाइम शूट पे लगी हुई है, ये सारे लगे हुए शूट पे। हम लगे यहाँ पे खाना खाने, तो अच्छी जगह ये, सब ने बोला यहीं पे खाना खाएंगे। हमने बोला ठीक है भाई, तो यहाँ पे खाना खा के फिर आगे जाएंगे ऊपर। मेरे साथ एक सीन हो गया, मैं यहाँ पे ये पानी में गिर गया और मेरे शूज़ वगैरह जो सॉक्स सब गीले हो गए, पैंट भी आधी गीली हो गई है। तो पहले तो धूप नहीं मांग रहा था मैं, अब सोच रहा हूँ कि थोड़ी धूप आ जाए, जल्दी से ये सब कुछ सूख जाए और फिर निकले आगे की तरफ। तो हमने खाना खा के निकल गए हम वहाँ से, तो ऊपर धुंध बहुत ज़्यादा है और मौसम ठंडा है काफ़ी ज़्यादा। उम्मीद है कि बर्फ़ होनी चाहिए, बर्फ के लिए आए हैं, बर्फ़ ना हो तो मज़ा नहीं रहेगा वो वाला। ये हम सिंधर टॉप के टॉप पे आ गए, सिंधर टॉप नहीं पहुँचे पर टॉप पे आ चुके हैं, और ये इतनी अच्छी व्यू दिखाई दे रहा है, जितना प्यारा उतना ख़तरनाक भी है। अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो हमें इसके लिए दो से तीन जैकेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर मौसम बहुत बहुत ठंडा है, धुंध पड़ चुकी है। देखिए आप ये देख रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं सिंधन टॉप, जो आज की हमारी मंजिल थी। सफ़र शुक्र अल्लाह का अच्छा रहा हमारा, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे बर्फ़ तो नहीं है, पर हमने जैसा सोचा था कि बर्फ़ होगी, मज़े करेंगे बर्फ़ में, थोड़ी स्केटिंग वगैरह करेंगे, पर बर्फ़ नहीं है, पर धुंध है और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का, मौसम बहुत बढ़िया है। तो ये देखें आप लोग नज़ारे लेते हुए यहाँ के, ठंड इतनी ज़्यादा है पूछो मत। मैंने जैकेट लगाई हुई है फिर भी मुझे ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। शकील भाई कैसा मज़ा है? बहुत बहुत मज़ा आया, बर्फ नहीं है तब भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम इस टाइम। ठंड लगी? ठंड तो बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड है। गाड़ी देखो कहाँ चल रही है यार, ये गाड़ी हमारी स्किट ना कर जाए यहाँ से। नहीं नहीं ये नहीं जाती कहीं भी, आप टेंशन मत लो, ये काफ़ी अच्छी जगह लगी हुई गाड़ी। हाँ ये कि धुंध की वजह से देखिए ना वापसी में वो बात अलग है, हम कहीं और पहुँच जाए गाड़ी कहीं और हो। ये देखें आप यहाँ का नज़ारा, ये धुंध ने काफ़ी अच्छा नज़ारा बना रखा है यहाँ का। और ये जो है ये रोड है किश्तवाड़ की रोड, किश्तवाड़ के लिए जो जाती है सिंधन टॉप से। और इस टाइम है हम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर पे, और यहाँ पे रोड का काम लगा हुआ है, क्योंकि पहले ये रोड कच्ची होती थी तो अब मैगडम डल रही है। चलो अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रही है, बढ़िया, अब परेशानी नहीं होगी पैसेंजर्स को यहाँ से जाने आने में। पर व्यू बहुत ही बढ़िया है यहाँ का। तो जो हमारे इरफान है उर्फ फानी,
ये कह रहे हैं कि अगर इनके पास पैराशूट होता तो सीधे किश्तवाड़ जाते हैं, बिना टिकट के सीधा किश्तवाड़ जाते हैं। अगर किश्तवाड़ जाते नहीं जाते पर कहीं और जरूर चला जाते हैं। अब है चाय का टाइम, साथ में थोड़ी सी मैगी, गर्मा गर्म चाय पीएंगे फिर जाके थोड़ा मजा आएगा, सर दर्द होगी इससे कम हो जाएगी। तो हम पहुंच चुके हैं गोकर्णनाथ गार्डन पे। जैसे कि हमने पहले बताया था कि गोकर्णनाथ गार्डन एक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छा गार्डन है, तो हमने सोचा था लेट हो जाएंगे नहीं जा पाएंगे, पर हम जल्दी मतलब ठीक टाइम पे पहुंच गए वापस, तो हमने बोला चलो अब तो जाना बनता है। तो अब हम आए हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा दुनिया है यहाँ पे, तो मज़ा है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे देखें आप बच्चों को मज़े लेते हुए, क्या बात है भाई साहब। होता है यहाँ पे खत्म, हमें बहुत ही ज्यादा मजा आया। हमने सोचा कि कोकर्णनाथ गार्डन पे नहीं जा पाएंगे, पर फिर भी हम आए यहाँ पे टाइम पे पहुंच गए, तो हमने बहुत ही मजा किया और सिंधन टॉप में भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया, मजा किया, गिले भी हुए पर बहुत मजा आया हमें। शकील भाई आप बताएं आपको कैसा मजा? फुल एंजॉय किया, बहुत मजा आया मुझे भी। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके शेयर करो, सपोर्ट करो। थैंक